अभी दीपावली आने वाली है, कोई भी पूजा का सामान उससे न खरीदें जो सनातनी न हो। और चीनी सामान तो बिल्कुल भी ना खरीदें, चाहे वो लाइट हो चाहे वो पटाखा। मेरा आग्रह मान लेना, हर सनातनी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, कोई भी पूजा का सामान, अब उसके पीछे रीजन में बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे प्रूफ है कि आपकी पूजा की चीजों पे थूक दिया जाता है, आपकी पूजा की वस्तुओं को अशुद्ध कर दिया जाता है। और जब अशुद्ध चीज आप देवी देवताओं पे चढ़ाओगे तो मुझे कृपा करके बताओ, लक्ष्मी जी खुश होंगी कि क्रोधित होंगी? जवाब दो। तो शुद्ध चीज कहां से खरीदो? सनातनियों से खरीदो। पहले उससे पूछो ये बनाई कहां से, पहले उससे पूछो ये बनाने वाला कौन है, बेचने वाले की दुकान का नाम पूछो, कौन हो तुम भाई? और अगर सनातनी हो तो ले लो, अवश्य लो। लेकिन जो सनातनी ना हो उसके द्वारा बनाई हुई किसी भी पूजा के सामान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रात दिन आपको जो वीडियो मैं देख पाता हूं वो आप भी देख पा रहे होंगे। अभी लोग दीपावली आने वाली है ना, कुछ ही दिन में, अभी अभी नहीं, दो चार दिन और रुक जाओ, फिर एक आवाज उठेगी, पटाखे मत चलाओ प्रदूषण खराब होगा, बम मत चलाओ प्रदूषण खराब होगा। और अब भाई वहां तुम्हारे फूफा इतने दिनांतिम मिसाइल चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, बड़े बड़े पटाखे फोड़ रहे हैं, अब ना प्रदूषण है रोगों को, ये तुम्हारे फूफा फोड़ रहे हैं वहां रसिया में फोड़ रहे हैं, जब ना कोई प्रदूषण है रोगों को, इजराइल में इतने फूट रहे हैं, गाजा पट्टी पे बम फूट रहे हैं, गोली फूट रही है, नारियल चल रहे हैं, जन क्या क्या फट रहा है वहां, अब नहीं हो रहा प्रदूषण। दीपावली का उत्सव आएगा तो पता क्या होगा, बम नहीं फोड़ने चाहिए, इससे प्रदूषण खराब होता है। और जब होली आती है तो फिर क्या कहते हैं, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हमारे तीज त्योहारों पर ही याद आती हैं। इसलिए सनातनियों, आपका सनातनी धर्म गुरु होने के नाते मैं आपसे कहता हूं, अपने तीज त्योहार जम के मनाओ, खूब जम के मनाओ। हम किसी के त्योहार की बुराई नहीं करते, अरे जब बकरे कटते तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब नहीं कहते जीव हत्या बंद करो, पटाखे चलाने पे कहते हो कि तुम रुक जाओ, हमें किसी से मतलब नहीं, जिसे जो फोड़ना है फोड़ो, पर हमारा सनातन का काम हम करेंगे। दीपावली पे दीप जलाएंगे, पटाखे भी चलाएंगे, होली पे रंग भी लगाएंगे, गुलाल भी उड़ाएंगे और रंग भर के पिचकारी भी मारेंगे, हमसे मत कहना कुछ। और ये जो बात हम यहां बोल रहा हूं, सभी सनातनियों तक ये मैसेज जाना चाहिए दीपावली से पहले। अगर सच्चे सनातनी हो तो एक स्वर में अपने धर्माचार्यों की बात को मानो, आगे बढ़ो, राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्यारे, राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा,